क्राइम कैरियर इंस्टीट्यूट न्यू सिविक सेंटर ने रविवार को महात्मा गांधी कला मंदिर सिविक सेंटर में लाइफ चेंजिंग सेमिनार का आयोजन किया, जिसमें प्रवेश निःशुल्क रखा गया था। इस सेमिनार में मुख्य आकर्षण के केंद्र सुपर 30 का मूल मंत्र देने वाले पद्मश्री आनंद कुमार रहे, जिनके मोटिवेशनल स्पीच को सुनने स्कूली बच्चों समेत युवाओं एवं स्कूली शिक्षकों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। रविवार 25 जून का दिन भिलाई वासियों के लिए बेहद खास रहा और विशेष तौर से भिलाई के युवाओं के लिए, क्योंकि 25 जून रविवार को प्राइम कैरियर इंस्टीट्यूट की तरफ से लाइफ चेंजिंग सेमिनार का आयोजन भिलाई के महात्मा गांधी कला मंदिर में किया गया और इस सेमिनार में पहली बार पूरे देश दुनिया को सुपर 30 का मूल मंत्र देने वाले भारतीय गणितज्ञ आनंद कुमार शामिल हुए। उन्होंने सेमिनार में उपस्थित जन समुदाय को अपने जीवन के कुछ खास बातों को बताया और किस तरह आनंद कुमार ने शिक्षा के क्षेत्र में सुपर 30 का मूल मंत्र देकर एक क्रांति लाई, ये भी बताया। आगे उन्होंने सेमिनार में उपस्थित बच्चों और युवाओं को किस तरह अपने पढ़ाई में एकाग्रता लाई जाए और पढ़ाई को किस तरह रोचक बनाया जाए, ये भी बताया। प्राइम करियर इंस्टीट्यूट के माध्यम से भिलाई शहर के विभिन्न स्कूलों के होनहार बच्चों को मंच के माध्यम से और आनंद कुमार के कर कमलों से सम्मानित भी किया गया। साथ ही वे शिक्षक जो बच्चों को शिक्षा देने के लिए अपना सब कुछ निछावर कर देते हैं, ऐसे शिक्षकों को भी मंच के माध्यम से सम्मानित किया गया। क्लास में जाने के पहले, क्योंकि रिवीजन का बहुत ही फायदा होता है। बीथोवेन के बारे में आपने सुना होगा, बहुत बड़े म्यूजिशियन, आज तक दुनिया में उनका कोई टक्कर नहीं दे सका, इतने बड़े म्यूजिशियन। एक संगीतज्ञ होने के लिए सबसे बड़ी बात क्या होती है? संगीतज्ञ होने के लिए सबसे बड़ी बात होती है कि उसके सुनने और समझने की क्षमता कैसी है। तो कोई म्यूजिक समझने के लिए सुनना बहुत जरूरी है, उसकी श्रवण शक्ति बहुत अच्छी होनी चाहिए, सुनने की क्षमता बहुत होनी चाहिए। आप पढ़िएगा बीथोवेन के बारे में जाके, वो बहुत अच्छे म्यूजिशियन थे, बहुत अच्छा कंपोज करते थे। आज भी बेस्ट ऑफ बीथोवेन टाइप करिएगा तो आज देखिएगा इंडियन फिल्मों में जो म्यूजिक चलता है उसी पर आधारित कई हम गाना को देखें कंपोज होता हुआ। उतने बड़े म्यूजिशियन की आज भी उनको कट पेस्ट कुछ बदल के लोग धुन बना देते हैं, गाना बना देते हैं, ऐसे म्यूजिशियन थे। धीरे धीरे वो कर, क्योंकि भिलाई के बारे में मैं बचपन से सुनता रहा था, लेकिन इतनी इसकी महत्ता है भिलाई की, ये मुझे आज से 3 दिन पहले पता चला। यहाँ आना तो बहुत दिन से तय था, करीब 1 महीना पहले से दिलीप जी से बातचीत हो रही थी कि आना है और तय हो चुकी थी बात। लेकिन 3 दिन पहले मैं, अगर आप मेरा फेसबुक ट्विटर देखिएगा तो पाइएगा कि 3 दिन पहले मैं मॉस्को गया हुआ। मॉस्को में बहुत जगह पर गया, बहुत सारे मैथमेटिकल सोसाइटीज में मिला और मॉस्को की एक परंपरा देखी वहाँ पर रसिया में, कि हर मोहल्ले में, हर यूनिवर्सिटी में एक ग्रुप है जो बच्चों को शाम को फ्री में पढ़ा रहा है, जो कुछ अच्छा करना चाहते हैं जिंदगी में, कुछ नया करना चाहते हैं, कुछ इन्वेंशन करना चाहते हैं, ऐसे बच्चों को वहाँ के टीचर, चाहे कॉलेज के प्रोफेसर हो, स्कूल के टीचर हो, अपने खाली समय में पढ़ा रहे हैं। मैंने सुना था मॉस्को, 3 बार पहले भी गया था, लेकिन पहली बार मैं प्लान करके गया था कि इस बार उस तरह के ग्रुप से मिलूंगा और उस तरह से दोस्तों 4 ग्रुप से मिला लगा। आपको जानकर आश्चर्य हो गया, वो लोगों ने, कुछ लोग तो टूटी फूटी इंग्लिश बोलते थे, कुछ लोग नहीं बोल पाते थे, तो हमारे पास अनुवादक थे, वो अनुवाद करते थे। चारों ग्रुप के लोगों ने बोला कि भारत और रूस का बड़ी मित्रता है, भारत के प्रति मेरा बड़ा सम्मान है। हमें क्यों? तो उसमें से 2 ग्रुप के ऐसे लोग थे जो जिन्होंने लॉजिक दिया कि हमारे दादाजी भिलाई में जब बन रहा था ना प्लांट, तो वहाँ काम करते थे। ये मैं सही बता रहा हूँ। तब मैं एयरपोर्ट पर आज लैंड किया, लैंड करने के साथ पहला ही सवाल पूछा दिलीप जी से कि हाँ दिलीप जी, ऐसी बात है, लोग रसियन बोलता है, इन्होंने पूरी जानकारी दी कि यहाँ एक रसियन हाउस है। तो भिलाई में कभी आया नहीं था इसलिए इतनी जानकारी नहीं थी। बहुत अच्छा लगा कि भारत की जो पहचान है, भारत से मित्रता की बात होती है किसी बड़े देश का, और उसमें भिलाई कारण बनता है, वैसे जगह पर आकर मैं बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। दूसरा कनेक्शन मेरा एक और भिलाई से है। आप लोग सुपर 30 फिल्म देखे, सुपर 30 फिल्म बनी,
सफल भी हुए, ऐसे जानना भी चाहते कौन कौन लोग इसमें से जो सुपर 30 फिल्म को देखा है आप लोगों ने, लगभग सब लोगों ने देखा है। लेकिन ये फिल्म बनाने वाले विकास बहल हमारे डायरेक्टर थे, जो फिल्म बनाए वो रिलायंस इंटरटेनमेंट बनाया, पैसा लगाया और साथ साथ फिल्म में ऋतिक जी काम किए। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य हो गया कि हमारे जैसे मामूली टीचर पर एक फिल्म बनेगी, ये भिलाई का ही बेटा का आइडिया था अनुराग बसु जी का। वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने बताया मुझे कि फिल्म बनेगी, और बहुत अच्छी कहानी है। आज यहाँ के बड़ा भावुक हो गया मैं बता रहा हूँ। करीब मोटा मोटी समझ लीजिए 10 साल पहले अनुराग बासु जी का फोन आया कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। तो मैं नहीं फिल्म देखता था, उस लाइन में नहीं था, इसलिए उतना उनके बारे में जानकारी नहीं थी, तो मैंने टाल दिया। तब उन्होंने हमारे जो अभी फिल्म के स्क्रिप्ट राइटर उनके बहुत अच्छे दोस्त थे संजीव दत्ता, उन्होंने फोन किया नाम बदल के कि मैं बोल रहा हूँ टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार से, आपका एक इंटरव्यू करना है, एक बड़ा कंक्लेव यहाँ कर रहे हैं हम लोग बॉम्बे में, मैं मिलना चाहता हूँ। तो उन लोगों को टाइम दिया है साथ में, इतने बड़े डायरेक्टर होके एकदम सिंपल वो और संजीव दत्ता हमारे घर आए, कहे कि भाई मैं अनुराग बासु हूँ। तब मैंने कहा कि आप गूगल पर सर्च करिए, तो हमारी पत्नी वहीं पर थी, हमारे भाई की वाइफ वहीं थी। अरे भाई इतने बड़े डायरेक्टर, तुरंत गूगल किया, मेरा होश उड़ गया भाई कि इतने बड़े डायरेक्टर इतने सादगी के तरह पर आ रहे हैं। तब हमने उनसे पूछा कि भाई आइए आइए बैठिए, और दिन भर उन्होंने हमारे साथ बिताया, खाना पीना खाया, 10-11 बजे हमारे घर आए, बच्चों के साथ सुपर 30 के साथ बिताया, और रात को 10 बजे गए कि मेरा कल फ्लाइट है, एक होटल बुक किया हुआ, रात में 10 बजे लगभग 10 से 12 घंटा वो हमारे साथ रहे। दोस्तों इसकी बात हम बताना चाहते हैं कि उन्होंने इतना भावनात्मक बताया भिलाई के बारे में कि पूछिए मत। हम कि बार बार भिलाई बोल रहे हैं भाई, बोले कि हमारे पिताजी वहाँ पर काम करते थे, और आप लोगों में से जो बुजुर्ग लोग होंगे उनको याद भी होगा कि वहाँ ये नाटक करते थे, और नाटक करते थे और बहुत बड़ा एक्टिंग करते थे, नाटक करते थे, बच्चों को नाटक खेलना सिखाते थे, और उन्हीं से हमने सीखा और इतना बड़ा मैं फिल्म डायरेक्टर बना। तो बहुत हमको खुशी हुई, भिलाई के मिट्टी में वो बात जरूर है कि भाई इतना बड़ा डायरेक्टर पैदा किया। उन्होंने बताया कि भाई आप पर मैं फिल्म बना को, बहुत दिन तक बात चली, फिर वो जग्गा जासूस बर्फी पे बिजी हो गए, थोड़ा मामला ढीला पड़ गया, फिर दूसरे लोग आए फिल्म बनाए, लेकिन फिल्म बनेगी ये आइडिया ये खबर। दोस्तों जीवन में हर चीज़ आपको आसानी से नहीं मिलता है। अभी एसपी साहब आपको बताए कि आप मेहनत करिएगा, संघर्ष करिएगा तो फेल भी हो जाइएगा, और ये इनके बातों का निचोड़ मैं बता रहा हूँ कि किसी दुनिया में फेल होने पर कभी निराश नहीं होना चाहिए। इन्होंने बताया इसका निचोड़ है कि दुनिया में किसी एक परीक्षा, दुनिया में किसी एक इम्तहान की इतनी ताकत नहीं है कि आपके भविष्य की बारे में बता सके, आपके भविष्य को निर्धारित कर सके, आपको ये सूचना दे सके किसी एग्जाम में ताकत। आनंद कुमार भिलाई में आकर काफी प्रसन्न नजर आ रहे थे, और उन्होंने एक ही स्वर में भिलाई आने के सपने को भिलाई वासियों को बताया, और आज जब उनका ये सपना पूरा हुआ तो वह फूले नहीं समा रहे थे। आनंद कुमार ने आने वाले समय में भी सुपर 30 के मूल मंत्र के साथ भिलाई वासियों को शिक्षा ग्रहण करने की अपील की है। ग्रेनेसियन न्यूज के लिए संतोष शर्मा की रिपोर्ट।